अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ धुआ चिकन की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी जो बहुत टेस्टी बनकर तैयार होती है, तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। यह रेसिपी बनाने के लिए मैंने 1 kg चिकन ले लिया है, जिसे अच्छे से साफ़ करके वॉश कर लिया है। मैरिनेशन में हम ऐड करेंगे 4 हरी मिर्च कुटी हुई। तो देखिए, हरी मिर्च को मैंने धरधरा पीस लिया है, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 नींबू का रस, और ये 1 टीस्पून मैंने ली है कुटी हुई लाल मिर्च, और 1/2 टीस्पून लिया है कुटी मिर्च, काली मिर्च का पाउडर, वो हम इसमें ऐड करेंगे। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार, 1/4 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया जीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और 1/4 टेबल स्पून लेंगे हल्दी पाउडर। तो सभी पाउडर मसाले और नमक भी हम इसमें ऐड कर देंगे। सभी मसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और ये सारे मसाले देखिए मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 मीडियम साइज की प्याज को मैंने गोल्डन कलर होने तक फ्राई कर लिया है, तो ये तली हुई प्याज हम इसमें डालेंगे। साथ में हम ऐड करेंगे 100 ग्राम के करीब दही। दही को मैंने अच्छी तरह से बीट कर लिया था, उसमें कोई भी लम्प्स नहीं है। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स। तो ये अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। अब हम इसे मैरिनेट होने देंगे 30 से 35 मिनट के लिए। 30 से 35 मिनट बाद हम एक पैन कढ़ाई गरम करने रख देंगे। तो ये तली हुई प्याज ही मैंने इसमें फ्राई की थी 4 टेबलस्पून तेल में। उसी तेल में मैंने ऐड कर दिया है 1 तेज़पत्ता, 3-4 दालचीनी के टुकड़े, 1 स्टार फूल और 1/2 टीस्पून शाही जीरा। साथ ही में हम इसमें ऐड करेंगे 8 से 10 कड़ी पत्ता। कुछ सेकेंड के लिए सौते कर लेंगे। सौते करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे मैरिनेट किया हुआ चिकन। तीन से चार मिनट के लिए हम भून लेंगे चिकन को। और ये 3 से 4 मिनट तक मैंने हाई फ्लेम पर भून लिया है। अब हम इसे ढककर पकने देंगे। जो चिकन और दही का पानी रिलीज़ होगा उसी में चिकन ये पक जाएगा। तो हम यहाँ पर 20 से 22 मिनट के लिए पकने देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। और ये 20 से 22 मिनट तक मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पर पकने दिया था। तो ये देखिए तेल भी रिलीज़ होने लगा है, चिकन अच्छी तरह से गल गया है। तो हम इसे एक बार मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी और साथ में कटा हुआ हरा धनिया। और फिर से हम इसे कर लेंगे मिक्स। और 1 मिनट के लिए हम इसे भून लेंगे हाई फ्लेम पर। तो ये देखिए तेल जो है वो अच्छी तरह से रिलीज़ हो गया है, मसाला अच्छी तरह से भुन गया है और चिकन भी गल गया है। तो अब हम गैस की फ्लेम बंद कर लेंगे और इसे धुआं देंगे। तो यहाँ पर मैंने एक स्टील की छोटी कटोरी रख दी है, उस पर हम रख देंगे जलता हुआ कोयला। कोयले को अच्छी तरह से मैंने गर्म कर लिया है। अब हम कोयले पर ऐड करेंगे थोड़ा सा तेल, घी या बटर। तो यहाँ पर मैं तेल ऐड कर रही हूँ। और ढककर हम इसे रहने देंगे 1 से 1.5 मिनट के लिए, ताकि अच्छी तरह से इसमें स्मोकी फ्लेवर आ जाए। तो ये 1 से 1.5 मिनट तक मैंने रहने दिया था और ये बहुत ही अच्छा स्मोकी फ्लेवर चिकन में आ गया है और ये हमारा धुआंदार चिकन बनकर तैयार है। तो अब हम स्टील की प्लेट निकाल लेंगे और गर्मा गर्म इसे कर लेंगे सर्व।
तो आप भी इस धुआ चिकन की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। आप इसे सर्व करें रोटी, पराठा या प्लेन राइस के साथ। और रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।